क्या हो जब एक स्कूल स्टूडेंट की हत्या हो जाए और शक उसके ही क्लासमेट में आ जाए उसके पास है सिर्फ चालीस मिनट असली कातिल को ढूंढने के वरना उसे ही माना जाएगा मर्डर तो कौन है असली कातिल स्कूल का या कोई बाहर का या फिर जैसी ये कहानी दिख रही है उससे कुछ बड़ा अंदर छिपा है सो है एवरी वन वेलकम बैक हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बेहतरीन कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फोर्थ पीरियड मिस्ट्री एंड ये फिल्म साल दो हज़ार नौ में रिलीज हुई थी आई एम डी वी रेटिंग है सिक्स पॉइंट वन स्टार्स और फ्लैन विच इज एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स में येस लिख दीजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ऑल्सो कल हमारे चैनल पर वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन आने वाली है जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है सो so, प्लीज़ कल के वीडियो को आप लोग जरूर देखना नाउ विथ नो फॉर द डिले लेट्स बिगिन तो उनके शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और मियाँ नाम की टीचर उन्हें पढ़ा रही थी तभी तिम नाम के बच्चे के मुँह से छाग निकलने लगता है और सारे देखिए डर जाते हैं तभी डेविड नाम के टीचर वहाँ आते हैं और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं और निक नाम के स्टूडेंट को एम्बुलेंस को फ़ोन करने को बोलते हैं तभी वहाँ पर टीचर जेम्स आते हैं और फिर वो भी इसे देख डर जाते हैं लेकिन मियाँ मैडम को हौसला देते हैं उसके बाद दिखाते हैं दो हफ्तों का समय बीत जाता है और स्कूल में सारे बच्चे बात कर रहे थे कि टेम मर चुका है और हम देखते हैं वो मिस्टीरियस लड़की अपनी क्लिक करी हुई फोटोज़ देख रही होती है निक अपने बेस्ट फ्रेंड मैक के साथ ग्राउंड में खेल रहा होता है तभी दो लड़कियां जिन्हें निक पसंद था लव यू लव यू उसे कहने लगती है निक रिप्लाई नहीं करता तो मैक जाकर उन्हें अपना नंबर दे आता है उसके बाद हम देखते हैं वो मिस्टीरियस गर्ल के नाम एलिस होता है और वो लाइब्रेरी आती है बुक्स लौटाने लाइब्रेरियन कहती है ये डिटेक्टिव वाली बुक तुम क्यों पढ़ती हो रोमांस पढ़ा करो जैसे दूसरे गर्ल्स पढ़ते हैं एलिस पूछती है क्या आपको पता है टिम को किसने मारा तभी लाइब्रेरियन कहती है उसी से पूछ लो एलिस पीछे देखती है तो टिम खड़ा होता है टिम कहता है तुम सच में वियर्ड हो सारे बच्चे मुझे देख डर गए सिर्फ तुम ही नहीं और एलिस वहाँ से चली जाती है और हम सोच पाते हैं टिम तो मर चुका था तो ये वापस जिंदा कैसे हो गया उसके बाद दिखाते हैं क्लास में सैम नाम का बंदा एक लड़की की गलत फ़ोटोज क्लिक करता है वो लड़की उसे डिलीट करने को कहती है लेकिन वो डिलीट नहीं करता तभी निक उसे आकर कहता है डिलीट करो और इस बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है निक उसे बहुत पीटता है तभी जॉन नाम के सर आ जाते हैं और उन दोनों को पनिश कर देते हैं छुट्टी के बाद निक घर जा रहा था तभी उसे मैक दिखता है वो कहता है देखो एहले स्विमिंग कर रही है और ये कितनी अच्छी लग रही है हमने इसे कभी भी ऐसे नहीं देखा तभी नेक एलिस को देखता है और देखते ही रह जाता है क्योंकि एलिस के पूरे फेस को शायद ही किसी ने कभी देखा था अगले दिन प्रिंसिपल स्कूल के टीचर्स को डांट रहे थे आखिर कैसे स्कूल पर एक बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पर किसी ने जहर दे दिया यहाँ वो टीम की बात कर रहे होते हैं प्रिंसिपल कहते हैं इस बार मैंने इस बात को दबा दिया है लेकिन अब से ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम लोग कोशिश करो जल्द से जल्द पता करने का ऐसा किसने किया ऑल्सो तो आज स्कूल कमिश्नर आ रहे हैं तो थोड़ा स्कूल को अच्छे से मेन्टेन करके रखना जिससे उन्हें इस सब के बारे में ना पता चले और उन्हें पता चल गया तो हमारा स्कूल बंद भी हो सकता है यहाँ क्लास में निक को एलिस का मैसेज आता है और वो पूछती है तुमने कल मुझे क्यों देखा स्विमिंग का टाइम ने कहता है मुझे देखने का कोई इरादा नहीं था वो बस मैं वहाँ से जा रहा था तभी सर जॉन उसे मैसेज करते हुए देख लेते हैं और क्लास में उस मैसेज को वो जोर से रीड करते हैं और कहते हैं तुम कैसी कैसी हरकत करने लगे हो अब टीचर स्टाफ रूम में सर डेविड और सर जेम्स बात कर रहे होते हैं जेम्स कहता है डेविड को आपको शादी कर लेनी चाहिए डेविड कहता है आप ही कोई लड़की बता दो जेम्स कहता है पता है आपकी ड्रेसिंग दस साल पुरानी लगती है मेरे से सीखो कैसे बनते हैं गर्ल्स मैन तभी डेविड कहता है जेम्स आपको पता है बच्चे आपको एम क्यों कहते हैं वो कहता है क्यों मार्गरीन बर्ट चीजी यानी वो लोग उसके हमेशा मजाक उड़ाते हैं ये सुन जेम्स गुस्सा हो जाता है और पूछता है कौन है ये वहीं पे मैडम मिया भी होती है जिसे सुन हंसने लगती है अब निक के क्लास में एक गेम्स पीरियड था और सारे बच्चे ग्राउंड में जाते हैं बस निक और सैम को छोड़कर सैम कहता है आखिर इतनी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं और तुम्हें वो वियर्ड एलिस ही पसंद आई और उसे तुम देख रहे थे और वो एलिस के बारे में बुरा भला कहता है चाकू निकाल कर उसके सामने रखता है और कहता है निक द मैं तो मुझे इसे मार के दिखाओ वरना मैं एलिस के बारे में इससे भी गंदी बातें करूँगा गुस्से में रखे चाकू को निक उठा लेता है और सैम को डराने की कोशिश करता है तभी दूसरी लड़की वहाँ पर आकर उन दोनों की इस तरीके से फोटो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है अब क्लास में सैम अकेला था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है अचानक से कोई उसके पीछे आता है और सैम को चाकू से मार देता है और हम देखते हैं ग्राउंड में एलिस को खेलने का मन नहीं होता है तो वो आउट होकर वहाँ से क्लास की ओर निकल जाती है दूसरी तरफ निक वॉशरूम में फेस वॉश कर रहा था तभी वहाँ टीचर जॉन भी आते हैं वो कहते हैं तुम क्लास की जगह यहाँ क्या कर रहे हो वो कहता है आप ही ने तो मुझे लड़ाई के कारण गेम्स पीरियड में क्लास की ड्यूटी सौंपी थी फिर ने क्लास की ओर वापस जाता है और सैम को खून में पाता है उसे लगता है सैम उसके साथ मजाक कर रहा है लेकिन जब वो सैम को मूवमेंट करता नहीं देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है उधर ही सैम के चाकू को खून से भरा पाता है तो वो हिल जाता है तभी एलिस वहाँ पे आती है और निक उसे कहता है मैंने ये मर्डर नहीं किया एलिस पहले क्लास के गेट और पर्दे लगा देती है और कहती है मैं जानती हूँ और इधर हम देखते हैं स्कूल कमिश्नर आ चुके होते हैं और प्रिंसिपल से बात कर वो स्कूल के राउंड पर निकल जाते हैं यानी सिचुएशन अब इंटेंस हो चुकी थी एलिस उस सिचुएशन की फोटो लेना शुरू करती है और निक पुलिस को फ़ोन करने वाला होता है तभी एलिस उसे समझाती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे और लोग मान जाएंगे कि तुम निर्दोष हो तो वो समझाती है या तो जेल जाओगे या फिर मेरा साथ दो मर्डर को पकड़ने में एलिस्स उसे समझाती है कि किलो रेनकोट और स्टूडेंट स्लीपर्स पहन आया होगा ताकि खून के छिट्टे उस पर ना पड़े और स्लीपर्स के कारण ऐसा लगे कि कोई स्टूडेंट है और सैम समझ ही ना पाए वो ये भी बताती है वो कोई ऐसा है जिसे निक और सैम की रिसेंट लड़ाई के बारे में पता हो वो वो कहती है उस किलर ने पीछे से सैम पे वार किया होगा जैसे ऐसे लगे कि सामने से उसने अटैक किया है और सारा शक निक पे चला जाए लेकिन वो कहती है मैं जानती हूँ ये मर्डर तुम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारी शर्ट पे कोई भी खून के दाग नहीं है एलिस बताते हैं किलर कोई वो है जिसे ये पता था कि उस समय अकेला होगा क्लास में मतलब वो कोई स्कूल से ही है जिसे हमारी सारी टाइमिंग्स का पता हो और वो स्कूल से भागा नहीं होगा वरना तो ईजीली पता चल जाएगा उसके बारे में हम समझ पाते हैं किलर स्कूल का ही है स्टूडेंट या फिर कोई टीचर फिर वो निक को कहती है पहले जाओ शर्ट चेंज करो क्योंकि चाकू उठाने कारण तुम्हारे हाथों पे खून लग जाते हैं और उसके कारण तुम्हारी शर्ट पे भी शर्ट चेंज करते टाइम वो निक को ही घूर रही होती है तो पूछता है दूसरी तरफ देखो तो एलिस कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो जस्ट तुम मेरे रास्ते में हो यानी एलिस अपने स्विमिंग टाइम वाला बदला ले लेती है एक फ़नी वे में फिर वो कहती है जो अपने हाथ धोकर आओ जिसमें खून लगे हुए हैं वो धोकर आता है और देखता है एलिस को और देखता ही रह जाता है एलिस ने पहली बार अपने बालों को बांधा था और वो उसे देख काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो जाते हैं फिर एलिस कहती है हमारे पास सिर्फ चालीस मिनट है पीरियड ओवर होने में जिसके दौरान हमें एनी और किलर को पकड़ना होगा वरना तुम्हें ही असली कातिल माना जाएगा वो दोनों भागकर कंप्यूटर लैब में जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल्स निकालते हैं दूसरी तरफ सर जेम्स फ़ोन पे किसी से कह रहे थे प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दो मैं कुछ करता हूँ और वो ये भी कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी ची चीजूँगा मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ और कहते हुए रोने लगते हैं दूसरी तरफ एलिस ऑनिक कंप्यूटर लैब से वापस क्लास में आ जाते हैं और नेक सैम को अपने शर्ट से कवर कर देता है और एलिस एक ग्रुप बनाती है और मैसेज करती है किसी ने भी अगर किसी स्टूडेंट या टीचर को लेट से क्लास में आ देखा है तो मुझे रिप्लाई जरूर करें मैं स्कूल कमिश्नर हूँ और मैं आप सबकी कॉपरेशन चाहता हूँ एलिस का नंबर किसी के पास नहीं था इसलिए वो इसका फ़ायदा उठाती है केस सॉल्व करने में नेक उसे थैंक्स बोलता है खुद की मदद करने के लिए अगले सीन में पी टी टीचर एक स्टूडेंट को पूछते हैं एलिस किधर है जाओ उसे बुला कर लाओ इधर एलिस और नेक ये कंक्लूजन पे आते हैं कोई टीचर ही किलर है क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर लेट से क्लास में आएगा तो टीचर उसकी बैंड बजा देंगे लेकिन अगर टीचर किसी क्लास में लेट से जाए तो उसे फैकल्टी रूम वापस भेज दिया जा जाता है यानी उस पर कोई भी प्रकार का शक नहीं जाएगा व दोनों सैम के लैपटॉप को खोजने की सोचते हैं क्योंकि मर्डर के पहले वो सैम के पास थी लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं तभी तो वो स्टूडेंट जिसे पीटी टीचर ने भेजा था वो क्लास में आती है और उसे देख एलिस ज़ोर से निको खींचती है और उसे किस कर लेती है ये देख स्टूडेंट वापस लौट जाती है वन स्टूडेंट को सैम के मर्डर के बारे में पता चल जाता और स्कूल में हंगामा हो जाता अगले सीन में प्रिंसिपल कमिश्नर को कंप्यूटर लैब ले जाते हैं और वो कहते हैं हमारा लैब हमेशा बंद रहता है सिर्फ स्टूडेंट के क्लास टाइम ही उन्हें खोला जाता है जिससे स्टूडेंट को भी गलत चीज़ से एक्सपोज ना हो जाए तभी वो गेट को टच करते हैं और गेट खुला हुआ मिलता है और प्रिंसिपल की बहुत ज्यादा बेजती हो जाती है अपने हेड कमिश्नर के सामने और हम समझ पाते हैं इस लैब के गेट को एलिस ने ही अपने दिमाग से खोला था जब वो लोग डिटेल्स निकलवाने जाते हैं एलिस सीन में स्टाफ रूम में टीचर जेम्स थे उन्हें वहां से निकलने के लिए निक झूठ कहता है सर आपको प्रिंसिपल और कमिश्नर ने बुलाया है और उनके जाते हैं निक और एलिस छानबीन शुरू करते हैं और उन्हें टीचर जेम्स के ड्रॉप पे सैम का लैपटॉप मिल जाता है वो लैपटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस था उनके लिए और रास्ते में ही टीचर जेम्स समझ जाते हैं कि उन दोनों ने उसे बेवकूफ़ बनाया वो लौट कर देखते हैं कि लैपटॉप गायब है और वो दोनों की तेज़ी से पीछा करते हैं एलिसर ने क्लास में लैपटॉप खोल कर देखते हैं कि सारी फाइल्स डिलीट हो गई है यानी से एम सर यानी जेम्स सर ने किया है लेकिन डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करना आता था तो यहाँ पर टीचर जेम्स आ जाते हैं और सीधे दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं जेम्स उसका पीछा करता है पसीन वहीं कट हो जाता है नेक्स्ट सीन में जिस लड़की ने निक को सैम के ऊपर चाकू उठाते देखा था वो मैक को यह सब मैसेज कर बताती है और मैक निक को ढूंढने लगता है दूसरी तरफ देखते हैं सैम के डेड बॉडी को कोई तो देख रहा होता है और उसके बाद भागते हुए एलिस को मोच आ जाती है और निक उसे अपने कंधे के ऊपर बैठाता है और छत की ओर लेकर जाता है फिर दिखाते हैं एलिस ने जो ग्रुप बनाया था उसमें रिप्लाई आता है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और पीछा करते हुए जेम्स भी छत पे पहुंच जाता है वो कहता है मुझे लैपटॉप दे दो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ये क्या हो रहा है तुम गलत कर रहे हो निक कहता है इन्वेस्टिगेशन कर लूँ फिर ज़रूर दे दूंगा जेम्स उन दोनों पर हमला करता है तभी वहाँ पर मैक आकर डंडे से जेम्स को मारता है और बेहोश कर देता है दोनों लैपटॉप पर एक वीडियो देखते हैं उसके बाद जेम्स के फ़ोन पर टीचर मियाँ का मैसेज आता है सब ठीक तो चल रहा है एंड ये देख हमें बहुत वियर्ड लगता है तभी हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जिन्हें एक वीडियो को देखकर हमें समझाता है टीचर जेम्स और टीचर मियाँ का अफेयर चल रहा था और यह बात सैम को पता चल जाती है और वह उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है तो इसलिए जेम्स सैम को मार देता है और उसका लैपटॉप ले जाता है अपने साथ अभी तो मैक कहता है बी सच में कातिल है तब ने एक थोड़ा स्ट्रेंज फेस बनाता है जैसे वो कुछ छिपा रहा हो मानो जैसे उसने ही सब कुछ करा हो और जेम्स को फंसा रहा हो यहाँ प्रिंसिपल टीचर जॉन को कहता है निक को बुला लाओ वो हमारे स्कूल का सितारा है और कमीशन से देख खुश होंगे जॉन क्लास में जाता है और सैम की मरी हुई लाश को दे डर जाता है तभी तो वहाँ पर निक आ जाता है और उसे देख जॉन कहता है नहीं तुम यहाँ से जाओ इस गुनाह को मैं अपने सर ले लूँगा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम जाओ किसी को नहीं बताऊँगा ये खून तुमने करा है जॉन ऐसा इसलिए कहता है कि उसका बेटा काफ़ी पहले मर गया था और निक में अपने बेटे को देख पाता है तभी निक को एक बटन दिखता है वहाँ पे और वो उस बटन को छत पे ले आता है और जेम्स के कोट से मैच करता है वो बटन जेम्स के कोट का नहीं होता उस बटन को लेकर एलिस वहाँ से चली जाती है यानी जेम्स को होश आता है तो मैक दोबारा उसे मान जाता है तो निक उसे रोक लेता है और कहता है शायद ये मर्डर नहीं है तो आखिर कौन है असली मर्डर जेम्स नहीं है निक लग रहा था पर वो भी नहीं है तो कौन है टीचर मियाँ चलिए देखते हैं तो एलिस भागते हुए सोचती है जेम्स और मियाँ ने मर्डर नहीं किया है क्योंकि जेम्स को सिर्फ अपने वीडियोज़ चाहिए थे वो मर्डर होने के बाद वहाँ पहुँचे होंगे और सैम के लैपटॉप को लेकर भाग गए होंगे तभी वो सोचती है इस फिल्म के स्टार्टिंग में किम को जो झाग निकला था वो इसलिए निकला था क्योंकि उसने सैम की दी हुई ड्रिंक को पिया था और सैम को ये ड्रिंक लाइब्रेरियन ने दिया था तो क्या अब वो लाइब्रेरी वाली मैडम ही असली मर्डर है पता नहीं कौन है लेट्स सी एलिस टिम के पास जाती है और उसे बताता है सैम हमेशा लाइब्रेरियन को परेशान करता था लाइब्रेरी वाली मैडम बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी पर कैरेक्टरलेस है एलिस जल्दी से लाइब्रेरियन के पास पहुँचती है और उसे पूछती है आखिर सैम का मर्डर किसने किया तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तभी एलिस के बनाए हुए ग्रुप एक मैसेज आता है डेविड सर को हमने लेट आके देखा था तभी डेविड लाइब्रेरी आते हैं और एलिस उसे देख पूरी तरह से डर जाती है और वो कहते हैं तुम्हारी तो पीटी क्लास है तुम यहाँ क्या कर रही हो एलिस देखती है उनकी कोट से वही बटन गायब है जो निक को मिली थी लाइब्रेरियन दोबारा से एलिस से पूछती है एलिस तुम्हें क्या लगता है कौन है असली मर रो एलिस उस बटन को देखती है और उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है तभी लाइब्रेरियन को सोचते हुए दिखाते हैं और हमें असली कहानी का पता चलता है हम देखते हैं इस टाइम लाइब्रेरियन से कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा दरअसल लाइब्रेरियन ने सैम के फादर के साथ अफेयर किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था और ये तब की बात थी जब सैम सिर्फ क्लास नाइन में था और सैम को ये पता चलते ही वो गुस्से में उससे पूछता है आखिर तुमने मेरे फादर के साथ अफेयर किया तो किया उसका वीडियो क्यों बनाया टीचर डेविड अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था वो कहते हैं अकेला होना क्या होता है घर जाओ तो ग्रेड करने वाला कोई ना हो फिकर करने वाला कोई ना हो घर से ज़्यादा स्कूल में अच्छा लगने लगे लेकिन तभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एंजल की तरह आ जाए और तुम्हारे साथ बात करे घूमे फिरे फिल्म देखे तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे और इसी कारण मैंने सैम को मार डाला और सबको मार दूंगा जो हमारी खुशी के बीच में आएगा और हम समझ पाते हैं डेविड ही असली कातिल है जिसने लाइब्रेरियन के कहने पर सैम को मारा था डेविड जल्दी से चाकू लेकर आइस पर हमला करने जाते हैं तभी उसे बचाने के लिए निक वहाँ आ जाता है निक उसे लड़ता है और फिर दोनों वहाँ से भागते हैं एलिस पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ तो बताता है तुमने मुझे एल आई करके मैसेज ड्रॉप किया था और मैं अभी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं समझ ना सकूँ तुम लाइब्रेरी में हो पीछे डेविड उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं एक उनसे लड़ता है लेकिन डेविड उसे चाकू भुक कर इंजर्ट कर देता है और वो एलिस को मारने जा रहा था पर ने एक एलिस को भागने को कहता है और तभी अचानक पीरियड ओवर होने की बेल हमें सुनाई देती है यानी चालीस मिनट ओवर हो चुके थे और अचानक उधर प्रिंसिपल और कमिश्नर आ जाते हैं और निक और एलिस को बचा लिया जाता है डेविड और लाइब्रेरियन पकड़ी जाती है एगलेस इनको समय बात का होता है और निक को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है जहाँ उससे मिलने एलिस आती है और हम समझ पाते हैं एलिस और निक एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं एंड वहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है तो आपके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे जिनको मैं दूर कर दूँ तो ये कहानी सैम नाम के बंदे की है जिसके फादर का उसके स्कूल के लाइब्रेरियन साथ अफेयर चल रहा होता है सैम को इस बात का पता चलता है वो लाइब्रेरियन को हमेशा बुरा भला कहता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है लाइब्रेरियन ये बात जाकर एक अकेले टीचर को बताती है जिसकी जिंदगी हमेशा तन्हाई से गुजरती रहती थी वो उसे यह सब बात बताती है और डेविड लाइब्रेरियन से किसी तरह प्यार करने लगता है और उसकी बात मानकर वो सैम को मार देता है मैं आपको ये भी बता दूं, सैम एक बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा था उसने अपने स्कूल के दो टीचर टीचर जेम्स और टीचर मियाँ का एक वीडियो बनाया था वो दोनों स्कूल के बाद साथ मूवी देखते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं यानी उन दोनों का चक्कर चल रहा होता है और ये बात की वीडियो बनाकर उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा होता है ऑल्सो इट्स एन आयरनी कि सैम जिस बात से लाइब्रेरियन से गुस्सा था यानी लाइब्रेरियन ने अफेयर की वीडियो बनाई उसके फादर के साथ वही सेम चीज़ वो टीचर जेम्स और टीचर मिया के साथ करता है तो सैम के मर्डर के बाद जब वहाँ से डेविड चले जाते हैं तो जेम्स वहाँ एंटर करता है और उसके लैपटॉप को चुरा लेता है जिससे उनके अफेयर का इकलौता है एविडेंस गायब हो जाए उसके बाद वहाँ पर निक की एंट्री होती है और वो वहाँ पे सैम की लाश को देख पाता है दरअसल निक और सैम की लड़ाई हुई थी तो इसीलिए उस पर सबसे ज़्यादा शक जाता और सो तो वहाँ एलिस एंटर करती है और वो निक की हेल्प करती है और दोनों मिलकर असली कातिल डेविड को ढूंढ लेते हैं इससे देखकर हम समझ पाते हैं एलिस बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी तो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के दौरान एक और एलिस एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एट द एंड टीचर डेविड और लाइब्रेरियन को पकड़ लिया जाता है पुल कमिश्नर और प्रिंसिपल के द्वारा और एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ उसे मिलने एलिस आती है एंड यहाँ होती है एक हैप्पी एंडिंग सो so, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में येस लिख दीजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ऑल्सो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूँ कल हमारे चैनल पर वन ऑफ दी बेस्ट हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन आने वाली है तो so, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ थैंक यू ई एंड एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू वेरी सुन